प्रणाम, क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, तुम तो केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग बगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर मरुस्थल में, जीवन के सुंदर मरुस्थल में। नमस्कार, मैं ऋत्वी राजेश ओसवाल कक्षा 9 में से एकल अभिनय के तहत ईला का रूप प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं भारतीय नारी पुराणों में यंत्र तंत्र ईला हूँ, पुत्री के रूप में सम्मानित योद्धा पुरुर्वा की माता हूँ। कैसा सौभाग्य है मेरा, या कहूँ अहोभाग्य है मेरा, पहले पुत्र यज्ञ से हुई पुत्री, सुद्युम रूप नर का साध्य है मेरा। नारी रूप विशाल सुखद है, शक्ति हूँ माता श्रद्धा की, लाड़ प्यार से पली गोद में, दृढ़ इच्छा अपने जाता की, दृढ़ इच्छा अपने जाता की। कैसा जीवन उहा पोह से भरा मेरा, कभी पुरुष रूप तो कभी स्त्री रूप में हरा भरा मेरा। एक और में श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हूँ तो दूजे में सुद्युम राजपुत्र वीर योद्धा रूप में संपूर्ण हूँ। मैं ईला रूप में वरदान हूँ, मनु की मैं मार्गदर्शिका, माँ श्रद्धा का अभिमान हूँ, माँ श्रद्धा का अभिमान हूँ। मैं वेदों में अन्नपूर्णा हूँ तो बुद्ध की शौचा रानी हूँ। मैं तो पुरुष और स्त्री रूप बदलती नारायणी हूँ, पुरुष और स्त्री रूप बदलती नारायणी हूँ। कितनी अद्भुत बात है, वर्तमान में नारी में दोनों रूप निखरते हैं, कभी पुरुषों का रौद्र रूप तो कभी कोमल हो जाती ममत्व मैम। मन से बलशाली हो रणरागिनी, छाया बन सुख की दीति सर्वस्व है वो। मैं पुराणों में कन्या रत्न हूँ तो युग का प्रत्येक युग का स्वप्न हूँ मैं, फिर भी वर्तमान में क्यों उपेक्षित भग्न हूँ मैं। मैं जग का रूप सुशोभित प्रस्तुता हूँ, मेरे सन्मुख श्री देवाधि देव खड़े है, हाथ जोड़ जो मात्र माता हूँ। नारी रूप ईला का पुरुवा की माता भी, वैवश्यत मनु की मैं आत्मजा, पिता की मैं इच्छा, माँ श्रद्धा की अपेक्षा, लेकिन देवी पार्वती द्वारा श्रापित पेक्षा। पिता की इच्छा थी योद्धा बनने की, शिव जी के कृपा मात्र बनी मैं ईला। अब तो केवल देवी भागवत पुराण में ही होती है मेरी पूजा, देवी भागवत पुराण में ही होती है मेरी पूजा। हुई सदैव सुद्युम रूप में, अब रूप नहीं है मेरा कोई दूजा, पुत्री बन माता श्रद्धा की भावना बनी थी मैं, सुद्युम बन पिता की मनोकामना अब हूँ मैं। नारी रूप विशाल सुखद है, लेकिन यह तो सत्य है, जीवन नग्न है सबका, बिन नारायण के भी, बिन नारायण के भी। धन्यवाद।